आम आदमी पार्टी के वलों हर इलैक्शन बड़ी एनर्जी के नाल लड़िया जाता तो विद्यार्थियों का विंग है सी वाई एस एस। पिछली बार प्रधान इस स्टूडेंट सेंटर के बैठा सी वाई एस एस का और इस बार भी जो एन एस ए का जो वड्डा ग्रुप है वह अज शामिल होया तो लाडी जी साढ़े नाल ने किवें देख रहे हो जी जो यूनीवर्सिटी का इलैक्शन है उन्होंने भी बड़ी एनर्जी के नाल लड़ रहे हो तुम। बिल्कुल जी अज बड़ी खुशी की गल है कि एन एस यू आई दिवें कह लिए भी सज्जिया खब्बिया बाहवा जिन्हां ने एन एस यू आई खड़ी की है पंजाब यूनीवर्सिटी के अज जॉनी ग्रुप अज बाई सुखी ग्रुप अज सारे वो जिहड़े एन एस यू आई छड के अज सी वाई एस एस के शामिल होए ने। सब तो पहला मैं उन्हां भरावां नूं उन्हां वीरां नूं जी ऐ कहना सी वाई एस एस के क्योंकि देखो जिस दिन की सी वाई एस एस बनी है उस दिन तो इन्होंने स्टूडेंट के जिहड़े हकों की गल की आ पिछले एक साल तो क्योंकि जिहड़ी इत्थे नगर कौ इहदी जिहड़ी स्टूडेंट कौंसल सी उहदे विच जिहड़ा साडा जिहड़ा सी वाई एस एस का जिहड़ा प्रेजिडेंट सी उन्होंने जो वादा किया सी उह वादे पूरे किए ने। चाहे होस्टल का वादा होवे होस्टल दो नवे बन रहे हैं चाहे कंटीन का वादा होवे चाहे स्टूडेंट सेंटर का वादा होवे जो जो असी वादे जो मैनीफेस्टो दे विच लेके आए सी वो वादे पूरे किए आ। तो इस बार भी आने वाले समय के जो जो क्योंकि अजे मैनीफेस्टो बनाया नहीं साडे जिहड़ियां टीमां ने वह स्टूडेंट सेंटर सॉरी वह डिपार्टमेंटां दे विच जा रही ने वो क्लासरूमों के आ रही ने तो उतों के बच्चों नूं पुछ रहे हैं दसो तुहानूं की चाहिए की तुहाडियां मंगां ने उन्हां दियां मंगां दे हिसाब दे नाल जिहड़ा हैगा इस बार दा जिहड़ा मैनीफेस्टो बनाया जाऊगा ते जो जो उन्हां दे नाल वादे करांगे वो इस बार पूरे करांगे। भी वड्डी कामयाबी मिली सी और इहदे नाल दूजियां जिहड़ियां विद्यार्थी जथेबंदियां ये भी इल्जाम लगाउंदियां कि आम आदमी पार्टी है जिहड़ी अपने विद्यार्थियों नूं जिताउण दे लई जिहड़ी सारी सरकारी मशीनरी है की मंत्री की विधायक वो यूनीवर्सिटी दे विच एक्टिव कर दिंदी है यूनीवर्सिटी दे विच ही बिठा दिंदी है लैके कोई मंत्री नहीं आता कोई विधायक नहीं आता। अज जे मैं आया मैं एज ए एम एल ए नहीं आया अज मैं एज ए सी वाई एस एस प्रभारी आया क्योंकि जी सी वाई एस एस की जी टीम है वह मैं पार्टी ने प्रभारी लाया। देखो कोई ये हम पंजाब यूनीवर्सिटी के दसो मंत्रियों का की रोल है इतने पंजाब यूनीवर्सिटी एम एल ए का की रोल है बिल्कुल नहीं सगो ये चीज़ा तो पुरानिया पार्टियां कर दया रही ने यह राजे वड़िंग हरी सारे उन्होंने जोड़े मंत्री है ये चीज़ा तो वो आप करते रहे हैं एन एस यू आई के लिए एक कम तो बिक्रम मजीठिया ही करते रहे हैं तो जे ही कम असी करा तो साढ़े उन्होंने कोई फर्क नहीं होना। सो असी तो सगो जे स्टूडेंट जोड़े पे ने इन्हों राजनीति जोड़े राजनीति लीडर ने उन्होंने चुगल के क्ढन आए हैं। सो जे अज भी जोड़े असी जो पैनल अनाउंस किया आम घर के मुंडे ने किसी मंत्री का मुंडा नहीं किसी एम एल ए का कोई भरा नहीं आम घर के जोड़े मुंडे आ जोड़े माड़े इंट्रस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स के साडा वह पैनल बन के तैयार होया तो आने वाले समय के जो इलैक्शन मुंडा लड़ रहा लड़ूगा वह भी एक आम घर का इंसान होगा। अज भी तुम जो उपर आ रहे तो थले कुछ विद्यार्थी खड़े से वख वख जथेबंदियों ने उन्होंने नारेबाजी की है पंजाब सरकार के खिलाफ तो उन्होंने किमें देख रहे हो तुम। मैं पता नहीं वो नारेबाजी वो मेरे हिसाब ना कोई विद्यार्थी दूसरे ग्रुप हो गए जिन्होंने की होगी पर मैं समझता मैं कहना चाहना उन्होंने वीरों उन्होंने मेरिया भैनों के राजनीति करने वास्ते बाहर बहुत थावान ने पंजाब दे विच सरकार दे नुमाइंदे इत्थे आए असीं पंजाब सरकार दा विरोध कर रहे हैं एक विद्यार्थी विंग दा नहीं पंजाब सरकार दा मैं नुमाइंदा बन के नहीं इत्थे आया इत्थे मैं सी वाई एस एस परिवार दा मैंबर बन के आया इन्हां नूं मैं अपील करदा उन्हां नूं कि जे राजनीति करनी है तो बहुत पंजाब बहुत वड्डा उत्थे कर लिया करो पर कुछ थावां दा बख्श दिओ आ जिहड़ियां जगह ने इह ते स्टूडेंट्स पढ़न आउंदे ने इत्थे जिहड़े माँ बाप ने उहदे बच्चां नूं पढ़न वास्ते भेजदे ने ना कि इतने जिंदाबाद मुरदाबाद करने नहीं भेजते। सो मैं अपील करता कि उन्होंने जो राजनीति करनी है पंजाब जाओ इतने जो पढ़ना तो भाई यूनीवर्सिटी के तुम मन ला के पढ़ो। ये कहा कि किसान के जोड़े बच्चे असी पंजाब के या हरियाणा के जोड़े किसान मंग रहे थे केंद्र के कोलों जो वित्तीय पैकेज तो पंजाब सरकार ने केंद्र की शह के उत्ते जो रल के किसानों जो दबाने की कोशिश की है किसानों की तो पंजाब सरकार कोई कंट्राडिक्शन नहीं कोई डिमांड ही नहीं सी नहीं बिल्कुल नहीं जिहड़ी पंजाब सरकार है वह किसानां दे नाल खड़ी है असीं इह गल कह रहे हैं भी जे आपां कुछ मंगना तां आपां दिल्ली तों मंगीए। देखो पंजाब सरकार जदों भी लोड़ पई है जदों भी पंजाब दी किसानी दे कोई माड़ा समां आया साडे मुख्यमंत्री साहब हमेशा नाल आ के खड़े ने जे हुण हड़ आए ने तां साडे मुख्यमंत्री साहब ने कल्ले कल्ले पिंड जा के लोकां दे हंझू पुंझे ने कल्ले कल्ले उह थां ते गए ने जिथे इहनां दा नुकसान होया। पुराने समय च की सी पुराने समय के जिहड़े मुख्यमंत्री रहे ने कदे किसी पिंड दे विच गए सीगे सिर्फ एको एक मुख्यमंत्री आ जिहड़ा हर एक उस थां ते जाके आया इन्हां नूं
जेडे कल बहुत वड्डी एक जिहड़ी राशि जिहड़ी सीएम साहब ने जिहड़ी अनाउंस की है जिहड़ी राशि जिहड़ी जिलों दे रहे ने वह भी सारी किसानों के जिहड़े हंझू पुंझन वास्ते उन्हां वास्ते दे रहे हैं। पर मैं तुहानूं एक गल कहना चाहुंदा, सेंटर दे वल्लों एक रुपया भी अजे तक पंजाब सरकार नूं इस जिहड़े जिहड़े नुकसान होया जिहड़ा हड़ां दा नुकसान होया उहदे लई एक रुपया भी अजे तक सैंक्शन नहीं होया, एक रुपया भी किसान सानूं सेंटर वल्लों नहीं मिलिया। सो मैं कहना भी जे तुसीं कोई आवाज़ चकनी चाहुंदे हो ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਪਈ। ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਣੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ CYSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, CYSS ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।